Hey guys, welcome back again to our town, Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का काउंटडाउन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। नंबर वन, सलमान खान अटली की प्रोड्यूस की हुई पहली फिल्म यानी पहली हिंदी फिल्म बेबी जॉन के लिए कैमियो शूट करेंगे। वरुण धवन स्टार और बेबी जॉन में सलमान का एक तगड़ा एक्शन सीक्वेंस होगा जिसमें वरुण और सलमान आमने सामने होंगे। पिपिंग मून की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में सलमान इस कैमियो को शूट करने वाले हैं। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इस एक्शन सीक्वेंस को सलमान के हिसाब से ही लिखा गया है। उनकी लेगेसी को बनाते हुए इसे बड़े स्केल पर शूट किया जाएगा। सलमान और वरुण इससे पहले जुड़वा, अंतिम और मैं तेरा हीरो में साथ काम कर चुके हैं। नंबर टू, फिल्म धूम 4 पर अपडेट आ रही है। कहा जा रहा है कि विजय कृष्णाचार्य उर्फ विक्टर धूम 4 का डायरेक्शन करेंगे और उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट भी लिखी है। विजय कृष्ण ने धूम के पिछले पार्ट भी लिखे हैं और एक पार्ट का डायरेक्शन किया है, इसलिए इस बार भी ये जिम्मेदारी उन्हें ही मिली है। विजय कृष्ण ने धूम 3 को डायरेक्ट किया था जो उस समय बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा। नंबर थ्री, सलमान खान एक बार फिर से ईद पर धमाका करने की तैयारी में हैं। साल 2025 में ईद के मौके पर वो सिकंदर नाम की फिल्म लेकर आ रहे हैं। ये एक एक्शन फिल्म है जिसे रजनी के डायरेक्टर एआर मुरुगदास बना रहे हैं। लंबे वक्त से इस फिल्म को लेकर बज बना हुआ है। वहीं एक के बाद एक इस फिल्म से अलग अलग स्टार्स के नाम जुड़ते जा रहे हैं। इस फिल्म में रश्मिका, काजोल, अंजनी, शर्मन, सत्यराज और प्रतीक बब्बर का नाम पक्का हो गया है। नंबर फोर, आज मंगलवार यानी 1 अक्टूबर को सुबह करीब 4:30 बजे गोविंदा के पैर में गोली लगी। उन्हीं की बंदूक से ये गोली लगी थी। इस हादसे के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया जहां डॉक्टर्स ने उनके पैर से गोली निकाली। अब फैंस के लिए उन्होंने खुद एक ऑडियो संदेश भी जारी कर अपना हेल्थ अपडेट खुद दिया है और बताया है कि वो सबकी दुआओं की वजह से फिलहाल ठीक हैं। नंबर फाइव, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के बाद अब अल्लू कौन सी फिल्म करेंगे ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने कई डायरेक्टर से बात की है पर मामला जमा नहीं। अब संभवतः उन्होंने अपनी अगली फिल्म फाइनल कर ली है। ऐसा कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 के बाद त्रिविक्रम की फिल्म में काम करने जा रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि अल्लू को इस फिल्म की स्क्रिप्ट पसंद आई है और वो इसी की ओर आगे बढ़ेंगे। इसका बजट भी सामने आया है। खबर है कि इसे बनाने में 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर सिक्स, मुकेश खन्ना की मोस्ट अवेटेड फिल्म शक्तिमान 2022 में अनाउंस हुई थी। तब बताया जा रहा था कि इसमें शक्तिमान का रोल रणवीर सिंह को मिल सकता है। अब इस पर मुकेश खन्ना का बयान आया है। उन्होंने बताया है कि वो नहीं चाहते कि इस रोल के लिए रणवीर सिंह को सिलेक्ट किया जाए क्योंकि मुकेश खन्ना ने रणवीर सिंह को शक्तिमान के रोल के लिए अनफिट बता दिया है। साथ ही मुकेश खन्ना ने बताया कि रणवीर सिंह ने इस रोल के लिए उन्हें मनाने की कोशिश भी की थी। नंबर सेवन, अबू धाबी में आईफा 2024 के मंच पर विवेक ओबेरॉय ने शाहरुख खान की तारीफों के पुल बांधे और अब ये मामला इंटरनेट पर आंख की तरह फैल रहा है। लोग विवेक की बात को सुनकर सलमान खान से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि विवेक ने सालों बाद किंग खान की तारीफ के माध्यम से सलमान को आईना दिखाने की कोशिश की है। नंबर एट, सुपरस्टार रजनीकांत को 30 सितंबर की देर रात चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में आनंद फानन में एडमिट करवाया गया है। उन्हें पेट दर्द की शिकायत बताई जा रही है। उधर हॉस्पिटल के सूत्रों ने बताया कि आज रजनीकांत की दिल से जुड़ी सर्जरी की जाएगी। फिलहाल उनकी हालत स्टेबल है। नंबर नाइन, बॉम्बे हाई कोर्ट में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर हाल ही में सुनवाई हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 3 अक्टूबर गुरुवार को रखी है। इस दौरान CBFC की तरफ से दी गई रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए अदालत आगे का फैसला करेगी। बता दें इससे पहले सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई थी जिसके चलते जी स्टूडियोज ने बदलाव करने का फैसला किया है। नंबर टेन, प्रियंका चोपड़ा के बचपन की एक तस्वीर इन दिनों सुर्खियों में है। कई लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो कई उनके ट्रांसफॉर्मेशन की सराहना भी कर रहे हैं। इसी बीच प्रियंका ने खुद वही तस्वीरें शेयर कर बताया है कि बचपन में उन्हें बॉयकॉट और कटोरे कट हेयर स्टाइल में रहना पड़ा था। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ सहा है। नंबर 11, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इन दिनों अपने पेरेंटहुड जर्नी का मजा ले रहे हैं। वैसे दीपिका अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर मजेदार पोस्ट भी और रिलेटेबल मीम्स भी शेयर करती रहती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें दिखाया गया है कि वो अपने पति का इंतजार कैसे करती हैं। अब उनका ये पोस्ट सुर्खियां बटोर रहा है। नंबर 12,
भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के बीच क्लैश होना पक्का है, ये बात तो आप जानते ही हैं। ऐसे में दोनों फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी अपनी फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन दिलाने में जुट चुके हैं। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी भूल भुलैया 3 को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन दिलाने के लिए 2024 की दो सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों भूल भुलैया 3 और पुष्पा 2 द रूल के लिए एक म्यूचुअल डील ऑफर कर रहे हैं। थडानी अपनी कंपनी AA Films के जरिए इस पैकेज को हासिल करने के लिए सिंगल स्क्रीन और नॉन मल्टीप्लेक्स चेन्स पर जोर दे रहे हैं, जिससे कड़ी कंपटीशन के बीच दोनों फिल्मों की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस तय हो रही है। नंबर 13, ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में अपनी बेटी आराध्या के साथ दुबई गई थी, जहां दोनों ने आईफा 2024 में हिस्सा लिया है। इस दौरान ऐश्वर्या और आराध्या ने जमकर धमाल मचाया। इसी दौरान उन्होंने माँ बेटी के रिश्ते के बारे में भी बताया है। ऐश्वर्या ने कहा, एक माँ से ज्यादा अपनी बेटी को कोई नहीं जानता। हम बैठकर एक दूसरे को सलाह नहीं देंगे या एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। परवरिश के लिए हमारे पास कोई नोटबुक नहीं है, सभी माँ अपनी बेटी के लिए बेस्ट हैं। बता दें कि उनका ये स्टेटमेंट फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। नंबर 14, अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 में एक बार फिर से चंकी पांडे नजरों आएंगे और इसका सबूत मिल गया है। दरअसल चंकी पांडे ने 26 सितंबर को अपना 62वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। एक्टर ने अपने जन्मदिन की तस्वीरें अब अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी है। फोटो में चंकी हाउसफुल के टीम के साथ केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। एक्टर की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। नंबर 15, सलमान खान की एक्ट्रेस जरीन खान पिछले कुछ समय से बड़े पर्दे से दूर हैं, जिसकी वजह से उनके फैंस सिल्वर स्क्रीन पर उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि वो कब कमबैक करने वाली हैं। जरीन ने कहा, बहुत लंबा ब्रेक हो गया, होपफुली नेक्स्ट ईयर यू ऑल विल डेफिनेटली सी मी इन द मूवीज, नेक्स्ट ईयर स्क्रीन पर जरूर नजर आऊंगी। बता दें कि फिलहाल उनके फैंस इस बात को सुनकर सुपर लेवल पर एक्साइटेड हो रहे हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।